मैं रोहित कुमार आपका स्वागत करता हूं इंडिया के सबसे बड़े एजुकेशन चैनल वाई फाई स्टडी विच इज अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। तो आज शाम के 6 बज चुके हैं और आप जुड़ चुके हैं रोहित सर के साथ, जहां पे आप देखते हो साइंस के अलग अलग तरह के क्वेश्चन, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो या फिर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। क्योंकि रेलवे अपने सिलेबस में, मैं कई बार कह चुका हूँ अपने क्लास में अपने लेक्चर बच्चों के, रेलवे अपने सिलेबस में साफ साफ शब्दों में लिखा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी दैट मीन्स जो नए नए इन्वेंशन होते हैं, चाहे वो स्पेस में हो, चाहे वो स्पेस की बात करें या फिर बात कर लें आप न्यूक्लियर साइंस की, चाहे बात करें मिसाइल सिस्टम में, डिफेंस सिस्टम की बात करें, जिसमें से कुछ ना कुछ आपके इन्वेंशन देखने को मिलते हैं, कुछ ना कुछ इन्वेंशन देखने को मिलते हैं। चलिए, कौन कौन जुड़ चुके हैं हमारे साथ? यार आजकल बच्चे बहुत कम आ रहे हैं, क्या मन नहीं आ रहा क्या पढ़ा, मजा नहीं आ रहा क्या पढ़ने में? और डीआरडीओ की क्लास बिल्कुल चल रही सर हमारे अनअकैडमी पे, जिसमें पॉलिटी, अब पॉलिटी की शुरुआत हुई है, इसके बाद करंट अफेयर्स, उसके बाद बचेगा केवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो बिल्कुल जुड़ना मत भूलिएगा और देखते हैं कि क्या क्या है आज खास। लेकिन एसएससी वॉरियर्स ने जो 4 लोगों की टीम है, हितेश सर, नमन सर, मैं और आकांक्षा मैम, 4 मई से एसएससी के बैच शुरू होना है। तो उस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको कोड यूज करना पड़ेगा एसएससी एग्जाम। और 2 चैनल बनाए गए सर आपके लिए, ताकि आप लाइव टेस्ट दो, अपने स्कोर को क्रॉस चेक करो, अपने एक्यूरेसी को क्रॉस चेक करो कि आपके मार्क्स कितने आते हैं, स्पीड क्या है, और डिफेंस एग्जाम जो आप सब्सक्राइब किए जाने वाले सामान में से धातु कौन से हैं, मैंगनीन, टंगस्टन, नाइक्रोम या ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी क्वेश्चन नंबर 1। तो सर बिजली के जो उपकरण हैं, उन उपकरणों का जो हीटिंग एलिमेंट है, ताप तत्व है, चाहे हम इलेक्ट्रिक बल्ब की बात करें, इलेक्ट्रिक बल्ब की बात करें जहां पे हम टंगस्टन यूज करते हैं, चाहे हम हीटर की बात कर दें, हीटर की बात करें जहां नाइक्रोम यूज करते हैं, यानी बिजली के उपकरणों का जो हीटिंग एलिमेंट है उसको बनाने के लिए मैग्नीन, टंगस्टन, नाइक्रोम, ये सब के सब यूज किए जाते हैं, सब के सब यूज किए जाते हैं। अगर बात करें सर मैंगनीन, जिसमें होता क्या है बच्चों, एक चीज समझना पड़ेगा कि मैंगनीन भी एक एलॉय है, मिश्र धातु है, जिनमें से 84% कॉपर, 12% मैंगनीज और 4% निकिल के मिश्र धातु के लिए ट्रेडमार्क नाम है। इससे पहले 1892 ईस्वी में एडवर्ड वेस्टर्न ने इसका विकास किया, डेवलप किया। और आपको पता है कि नाइक्रोम, निकल, क्रोमियम और लोहे का एक मिश्र धातु है, मिश्र धातु है। क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू द न्यू इंटरनेशनल कन्वेंशन, बिजली के तारों के रंग कोडिंग के लिए, नए अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के अनुसार जो न्यूट्रल वायर होता है, उस न्यूट्रल वायर का कलर क्या होगा, उस न्यूट्रल वायर का कलर क्या होगा, जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हाँ, कल बिना ऑप्शन वाली क्लास है। येलो, ग्रीन, ब्लू और कोई कलर है, काम करो बैनिया पिनाला जो है, यानी जो 7 कलर है, एक काम करो कोई ना कोई 7 कलर डाल दो, यहां तो 3-4 कलर दिख रहा है। लाइट ब्लू क्या होगा, ये लाइट ब्लू होगा। सर लाइव चैनल पे आपकी क्लास कब होती है अतुल सिंधे जी? लाइव चैनल पे अभी आप हमारी क्लास नहीं हो रही है, आप यहां जुड़ जाओ ना मेरे से लाइव टेस्ट पे। तो सर बिजली के तारों के जो रंग कोडिंग के लिए नए अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के अनुसार, जो ब्राउन कलर का वायर है वो कहता है कंडक्शन, यानी कहता है सर जो लाइट ब्लू है वो न्यूट्रल वायर है, ये देख सकते हो ये न्यूट्रल वायर है, जो ग्रीन है वो अर्थ वायर है, और जो ब्राउन है भैया इसको छुओगे तो पता चल जाएगा कि क्या एहसास होता है, यानी जो ब्राउन कलर है वो लाइव है, दैट मीन्स वो सीधा इलेक्ट्रिक जो पोल है, खंबे हैं उससे आ रहे हैं, जबकि अर्थ वायर
ग्रीन कलर का है और ब्लू वायर न्यूट्रल कलर का है। समझ में आ गया बात, समझ में आ गया। यानी बिजली के तारों के रंग कोडिंग के लिए नए अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के अनुसार भूरे रंग के तार, संचरित तारों के लिए हल्के नीले रंग के तार, न्यूट्रल तार के लिए और हरा या पीले रंग के तार, देखो इधर देखना, हरा या पीले रंग के तार अर्थ तार के लिए होते हैं, जिसको अर्थिंग कहते हैं, जिसको ठंडा कहते हैं, ठंडा गर्म होता है ना। विच रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड बाय द ह्यूमन स्किन, कौन सा विकिरण मानव त्वचा द्वारा अवशोषित होते हैं, यूवी रेज, एक्सरे, इंफ्रारेड, ऑल ऑफ दिस। चलिए भैया पापा की परी का सही है, कभी छुआ नहीं है, छू के देखना। छू कर देखना, कभी छुए नहीं हो ना, कभी छू कर देखना, बहुत मजा लगेगा। कभी छू कर देखना, मजा लगेगा। नहीं गलती से भी ना करना, नहीं तो झटका मारेगा, 440 वोल्ट के झटके लगेंगे, पता नहीं चलेगा दो दिन तक कि हुआ क्या था एक्चुअली। सर कहता जो हमारे स्किन है, अच्छा एक्सरे, अब कई लोगों को लगेगा सर एक्सरे होगा क्या, अरे यार बिल्कुल होगा, एक्सरे कराने जाते हो ना, क्या हुआ पेट में भैया, कुछ नहीं समझ नहीं आ रहा, सुबह से दर्द हो रहा है, एक्सरे करा लो, एब्जॉर्ब करता तभी तो। यूवी रेज की बात करेंगे तो पता है जो स्किन कैंसर होता है, ये स्किन कैंसर होता है सर, बिल्कुल समझना पड़ेगा। तो तीनों के तीनों हैं जो हमारे स्किन, हमारी त्वचा एब्जॉर्ब करती है, अवशोषित करती है, एब्जॉर्ब करती है, अवशोषित करती है। तो सर अगर मैं यूवी रेज की बात करूं, देखो कितने सारे इंफॉर्मेशन मिलेंगे आपको, कलेक्ट कर लेना, ये आने वाले समय में बिल्कुल बेनिफिट होगा। तो यूवी रेज की खोजकर्ता रीटर हैं। वेवलेंथ की बात करेंगे, तरंग दैर्ध्य सीमा की बात करेंगे, 10^-8 से लेकर 10^-7, और फ्रीक्वेंसी रेंज की बात करेंगे तो 10^16 से लेकर 10^14। ये याद रखना, डिस्कवर याद रखना जरूर, डिस्कवर याद रखना जरूर। एक्सरे की बात करें, खोजकर्ता की बात करें, आपको पता है सर विलहम कॉन्ट्रेड, कॉन्ट्रेड रॉन्टजन ने खोज की है, ये वेवलेंथ हो गया और ये फ्रीक्वेंसी हो गया। और इंफ्रारेड की बात करेंगे, जिसे अवरक्त किरणें कहते हैं सर, अवरक्त तरंगे, लघु रेडियो तरंगे और विजिबल के बीच विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव है, स्पेक्ट्रम है, उसमें निचली और मध्य श्रेणी में होता है इंफ्रारेड। जरा बताइए कमेंट बॉक्स में कि लिफ्ट में, लिफ्ट जो है, लिफ्ट या फिर कहें टीवी का जो सिग्नल है, उस सिग्नल में या कहें रिमोट में कौन सा रेज यूज होता है, रिमोट में कौन सा रेज यूज होता है, जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा जल्दी। बता दो जरा कमेंट बॉक्स में मैंने क्या पूछा, अच्छा इंफ्रारेड होता है, यार बच्चे बहुत समझदार हो गए अब ना, एक चीज समझ में आता है कि बच्चे बिल्कुल समझदार हो गए हैं, इंफ्रारेड, बहुत सही। विच मिनरल इज नोन एज ट्विन मेटल, किस खनिज को जुड़वा धातु के रूप में जानते हैं, कॉपर, अल्यूमिनियम, जिंक, लेड, कॉपर, एजी, यानी लोहा, सीसा, क्या होगा जरा बता दो। चलो लिफ्ट की खोज ओर्टिस ने की थी, बिल्कुल सही। अरे पढ़ लो यार, काहे का लड़ाई झगड़ा करते रहते हो, नहीं क्या बुझा, लड़ाई झगड़ा करने से क्या मिलेगा, पता है कुछ लोग प्रोवोक करते हैं जानबूझकर, पर जो तो वो तो मजा लेते हैं, पढ़ते रहते हैं, बाकी बात फर्जी की चीजें करते रहते हो। देखो ये समझना पड़ेगा जी, कहता है सर जिंक और जस्ता, जिंक और सीसा, जस्ता और सीसा को हम जुड़वा धातु के रूप में जानते हैं। सर गुरुजी क्यों ऐसा, सर ऐसा क्यों है, क्यों ऐसा,
मेरे लाल, मेरे पीले, पिंकू, समझ लो। इसलिए है क्योंकि जहां जिस माइंस में जस्ता होगा वहां पे सीसा 200% सीसा पाया जाएगा। जैसे राजस्थान का जावर माइंस है, जहां पे सीसा और जस्ता दोनों पाया जाता है, बिल्कुल समझना, सीसा और जस्ता दोनों पाया जाता है। कहां? राजस्थान के जावर माइंस में, सीसा और जस्ता दोनों पाया जाता है। ठीक है बच्चे, समझ रहे बात को? राजस्थान के जावर माइंस में दोनों पाया जाता है, जिंक और सीसा दोनों, इसीलिए सब जुड़वा धातु के रूप में जानते हैं। अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे सर, तो आयरन एटॉमिक नंबर 26, कॉपर 29, पारा 80, एकमात्र मेटल जो लिक्विड फॉर्म में, और सीसा की बात करेंगे भैया तो कहां चला जाएगा ये? ये देखो सीसा सबसे स्टेबल एलिमेंट, सबसे स्थिर धातु कौन है? तो क्या होगा? सीसा होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, चुंबकीय प्रवाह घनत्व की एसआई इकाई क्या है? वेबर, हेनरी, टेस्ला, फैराड। चलिए जल्दी, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। हमें लगता है क्वेश्चन नंबर 5 में बहुत कंफ्यूजन होने वाला है आपको, आपके मन में। मुझे पता था वेबर और टेस्ला में कंफ्यूजन बढ़ेगा। सर एक चीज समझना, अगर क्वेश्चन होता ना मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करते, चुंबकीय प्रवाह की बात करते, तो आप वेबर कहते तो 200% सही, लेकिन क्वेश्चन क्या कहा? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की बात कर दिया तो हम टेस्ला के साथ जाना पड़ेगा। कई सारे वेबर वाले सोचेंगे भैया गलती कैसे हो गया, तो वेबर होता जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स कहते, चुंबकीय प्रवाह कहते, तब आप वेबर के साथ जाते, अदरवाइज डेंसिटी की बात कर दिया तो आपको टेस्ला कहना पड़ेगा। क्या कहना होगा? टेस्ला कहना पड़ेगा। यानी सर टेस्ला किसका है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी टेस्ला, मैग्नेटिक फ्लक्स वेबर, कैपेसिटेंस की बात करेंगे, धारिता की बात करेंगे फैराडे, और इंडक्टेंस की बात करें, प्रेरक तत्व की बात करें तो हेनरी होगा। ये आपके सामने, चारों के चारों है, निकल कर आया। ठीक है, बात समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बताइए चंद्रमा पर वायु दाब को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? जल्दी, क्वेश्चन नंबर 6। चंद्रमा पर वायु दाब को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है? बैरोमीटर, फोटोमीटर, स्ट्रोबोस्कोप या कोई नहीं? अच्छा ये बताइए, चंद्रमा पर वायु दाब को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाएगा? क्यों, अच्छा क्यों ऐसा है? चंद्रमा पर वायु दाब को मापने के लिए किसका उपयोग करेंगे? ऐसा क्यों है जरा बताओ कमेंट बॉक्स में, ऐसा क्यों है? नन क्यों होगा? अच्छा ये बताओ वायुमंडल है वहां, चंद्रमा पे वायुमंडल है, चंद्रमा पर वायुमंडल है क्या?
चंद्रमा पर वायुमंडल है ही ना, तो क्या करोगे, कैसे मापोगे? चंद्रमा पर वायुमंडल जब नहीं है तो कैसे माप लोगे, जरा बता दो, कौन से इक्विपमेंट लेकर जाओगे आप? तो ये तो समझना पड़ेगा ना, बैरोमीटर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजरमेंट करेगा कहां, पृथ्वी पे, पृथ्वी के वायुमंडल पे। फोटोमीटर की बात करें सर, प्रकाश के स्रोत की ज्योति तीव्रता, यानी कंपेयर्स द ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट, ज्योति तीव्रता की बात करेंगे, कैंडेला सीडी होता है। एस्ट्रोबोस्कोप की बात करेंगे, तेजी से चलती वस्तुओं को देखने के लिए हम जो मेजरमेंट करते हैं इसे हम एस्ट्रोबोस्कोप कहते हैं, एस्ट्रोबोस्कोप कहते हैं। आयस्क और उनके रासायनिक सूत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, क्वेश्चन नंबर 7 बताइए जल्दी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्या कहता है सर, अयस्क और उनके रासायनिक सूत्र के बारे में कौन सा सही नहीं है? कैस्टराइट, पिच ब्लेंड का केमिकल फॉर्मूला U3O, बिल्कुल, गैलना का Pb2, सिनेबार की बात करें Hg, ये मरकरी का है, ये सीसा का है, ये यूरेनियम का है, तो ये क्या तीन का है क्या, ये जरा बताने कमेंट बॉक्स में क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, देखिए कई लोगों को लगेगा सर ये क्यों सही नहीं है, यही से कह रहे हो ना, यही जा रहे हो ना सर, सीने बार का क्या होता है बालक, HGS, क्या होगा HGS, पिच ब्लेंड के साथ U3O8, तीन की बात करेंगे SNO2, ये सही है, सिनेबार की बात करें HGS और PB की बात करें तो PBS। अरे सही तो पूछा, सही तो है, क्या पूछा है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट, कौन सही है, ये सही है क्या, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, केवल यही तो सही है ऑप्शन नंबर 2। सोनू सिंह क्वेश्चन को देख लो आप एक बार, अरे सही पूछा है, सही तो बता रहे हैं भाई मेरे, सवाल ठीक नहीं है, देख लो क्वेश्चन, देख लो क्वेश्चन, देख लो सही है, आप समझ में आ गया होगा। अब क्या ऑप्शन रॉन्ग है, मैंने पहले सवाल गलत हुआ, अब जवाब गलत है, अच्छा अब सही क्वेश्चन आ गया, अच्छा फॉर्मूला गलत दे दिया, वाह, इसको बोलते हैं ना दिमाग लगाना, पहले सर क्वेश्चन गलत है, बिल्कुल इतना कॉन्फिडेंस कहां से ला इस लॉकडाउन में, क्वेश्चन गलत है, चलो मैंने क्वेश्चन दिखाया, सर ऑप्शन गलत है, ये देखो मोर कॉन्फिडेंस देखो इनकी, मैं कंफ्यूजन बढ़ा रहा हूं भाई, आपको इतनी जल्दी रहती है कि क्वेश्चन आधे अधूरे पढ़ा जवाब दे दिया, क्वेश्चन आधा अधूरा पढ़ा जवाब दे दिया, कहां की जल्दी है, इसलिए कहते हैं आराम से पढ़ो, कहीं जल्दी आने की जरूरत नहीं है, अब तो जाना भी नहीं कहीं, अच्छा मैं कंफ्यूज हूं, चलो माफी मांगता हूं अगर मैं कंफ्यूज हूं तो, बहुत सही कॉन्फिडेंस देखो इनकी, चलो बताओ हु इन्वेंटेड मेटल डिटेक्टर, मेटल डिटेक्टर का आविष्कार किसने किया था, सही कह रहे हो ना, समझ में आए तो क्वेश्चन गलती,
क्वेश्चन अगर सही निकल गया तो क्या करें सर, ऑप्शन गलती, ऑप्शन भी सही निकल गया तो क्या करें सर, आपने गलती पढ़ा था। अरे भाई आप भी तो पढ़ रहे हो, आप क्या कर रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पढ़ रहे हो और ईयरफोन में कहीं और पार्सल हो रहा है, कहीं ऐसा है क्या? होता है ऐसा कि सामने लगी हुई है मोबाइल तो घर वाले तो भी पीटेंगे लॉकडाउन में, उधर से ब्लूटूथ लगा है कहीं और पार्सल हो रहा है ज्ञान। मेटल डिटेक्टर का आविष्कार की बात करेंगे ग्राहम बेल, सोचा भी नहीं होगा। मेटल डिटेक्टर की बात करेंगे तो क्या होगा, ग्राहम बेल किसने किया, ग्राहम बेल ने आविष्कार किया है। और टॉरिकेली की बात करें, बताइए जरा, बताओ कमेंट बॉक्स में टॉरिकेली ने क्या आविष्कार किया था, टॉरिकेली ने क्या आविष्कार किया था जल्दी। सर सेफ्टी पिन, विलियम हर्स्ट, सेफ्टी पिन का विलियम हर्स्ट, सेफ्टी लैंप का हम्फ्री डेवी, टॉरिकेली ने बैरोमीटर का आविष्कार किया, ये आपके सामने ऑप्शन रहा। और ये आपके सामने ऑप्शन रहा, कितने लोगों के जवाब गलती आए, मजा आता है ना, कब सबसे बड़ी चीज मजा आता है जो आप कोसते हो सर आप गलती पढ़ाते हो। यार मैं भी सोचता हूं भाई सच्ची में मैं गलती पढ़ा रहा हूं क्या, मुझे भी सोचने पे मजबूर हो, मैं भी सोचने के लिए मजबूर हो जाता हूं। हाँ गलत है सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखो देखो देखो, एक बच्चे ने कहा गलत है सर, हाँ ईशु शर्मा ने कहा गलत है। इस बार 2020 का भारत रत्न, भैया देखो आपको भी वोट करना है कि 2020 का भारत रत्न ईशु शर्मा को जाना चाहिए, बिल्कुल। कौन सा वर्णक पौधे के रंग, पौधे को रंग प्रदान नहीं करता है, ल्यूकोप्लास्ट, क्यों? सर ये रूट में मौजूद होगा, जड़ में मौजूद होगा, जबकि क्रोमोप्लास्ट की बात करेंगे, क्लोरोप्लास्ट की बात करेंगे, सब पौधे को कलर प्रोवाइड कराता है, सब पौधे को कलर प्रोवाइड कराता है। यानी अगर हम देखें तो क्रोमोप्लास्ट की बात करेंगे, क्रोमोप्लास्ट पौधों को विभिन्न रंग प्रदान करता है, जैसे बात कर लो फूल, जैसे फल। क्लोरोप्लास्ट की बात करेंगे सर तो क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण में भाग लेने के लिए हरा रंग प्रदान करता है, कौन, पत्तियों को। और ल्यूकोप्लास्ट जो कलरलेस होगा, जो पौधों के जड़ों में पाया जाएगा, भूमिगत तनों में पाया जाएगा, जो बिल्कुल रंगहीन होता है, बिल्कुल रंगहीन होता है। किस ग्रह के वायुमंडल में सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, क्वेश्चन नंबर 10। जल्दी सर, अगर देखें तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के ना मर्म को देखो, कहता है सर किस ग्रह के वायुमंडल में सबसे अधिक CO2 है, गर्म ग्रह किसे कहते हैं, गर्म ग्रह हॉटेस्ट प्लैनेट किसे कहेंगे, हॉटेस्ट प्लैनेट किसे कहेंगे जरा बता दो, गर्म ग्रह कहेंगे वीनस को। तो भाई आपको पता है 97% जो CO2 पाया जाता है इसमें, 97% CO2 है वीनस में, इस कारण से इसे हम गर्म ग्रह कहते हैं, हॉटेस्ट प्लैनेट कहते हैं, ब्राइटेस्ट प्लैनेट कहते हैं, भोर का तारा कहते हैं, सांझ का तारा कहते हैं, पृथ्वी की भगिनी ग्रह कहते हैं, और क्या बोले, बेचारा के पास कोई भी सैटेलाइट नहीं है, कोई भी उपग्रह नहीं है, याद रखना कोई भी उपग्रह नहीं है, काहे गलती कर बैठे, काहे गलती कर बैठे, तो सबसे आसान सवाल था ये, तो सबसे आसान सवाल था ना, क्या था क्वेश्चन कि किस ग्रह के वायुमंडल में सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड है। अगर मंगल की बात करेंगे तो रेड प्लैनेट कहते हो ना, लाल ग्रह, क्यों, आयरन ऑक्साइड पाया जाता है इसमें। और बृहस्पति की बात करेंगे तो ये गैसीय ग्रह है ना बच्चा, ये गैसीय ग्रह है, गैस है, मीथेन पाया जाएगा, पीला ग्रह कहते हैं इसे हम। अब पृथ्वी तो नीला ग्रह है, क्यों, पानी भरी पड़ी है यहां। अब ये देखो, देख सकते हो कि बिल्कुल कैसे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। यानी अगर हम दो फॉर्मूला कहें, पहला फॉर्मूला कि सर दूरी के अनुसार माई वेरी एडुकेटेड मदर जस्ट सोड अस 9 प्लैनेट, मरकरी 1, विनस 2, अर्थ 3,
मार्स 4, जुपिटर 5, सैटर्न 6, यूरेनस 7, नेपच्यून 8। सबसे ज्यादा सैटेलाइट सैटर्न के पास 82, नंबर दो पे कौन? जुपिटर। लेकिन सबसे बड़ा सैटेलाइट किसके पास? जुपिटर। नाम क्या उसका? गैनीमिड। नाम उसका गैनीमिड। समझ में आ गया? चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कोल इज नोन एज डोमेस्टिक कोल? कौन सा कोयला घरेलू कोयला के रूप में जाना जाता है? जल्दी बता दो क्या होगा। कौन सा कोयला घरेलू कोयला के रूप में जाना जाता है? सर क्या होगा? बिटुमिनस, यानी डोमेस्टिक कोल। बिटुमिनस कोल इज नोन एज डोमेस्टिक कोल। इसे हम घरेलू कोयला कहते हैं। आप कहोगे लिग्नाइट। मैक्सिमम बच्चे लिग्नाइट के साथ जाएंगे। बिल्कुल देखो पीट का है बोलते हो। पीट तो ना बोलो, पीट तो कतई ना बोलो यार। यानी घरेलू कोयला की बात करेंगे सर, बिटुमिनस है। लिग्नाइट की बात करेंगे, ये ब्राउन कोल है, भूरा कोयला है। ये ब्राउन कोल है और ये ब्लैक कोल है। ये ब्लैक कोल है, याद कर रखना। ब्लैक कोल में कार्बन का परसेंटेज ज्यादा होगा, तो मैं आपको याद रखने का तरीका पहले भी बता चुका हूं और फिर मैं बता दूं कि अल्फाबेटिकल से याद रखिए। ए बी एल पी अल्फाबेटिकल है, तो सबसे उन्नत किस्म का कोयला एंथ्रासाइट, इसके बाद बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट और सबसे खराब किस्म का कोयला कोल। और एंथ्रासाइट जो कोल है भारत में कहां? तो ये जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, बिल्कुल याद रखना। ठीक है। बिटुमिनस कोयले का उपयोग घरेलू उद्देश्यों के लिए किया जाता है क्योंकि यह धीरे धीरे जलता है, कोई धुआं नहीं है, कोई राख भी नहीं है और टेम्परेचर हीटिंग, जो हीटिंग वैल्यू है वो ज्यादा है क्योंकि कार्बन की परसेंटेज ज्यादा है। तो भूरा कोयला सर लिग्नाइट को हम ब्राउन कोल कहते हैं। लिग्नाइट को ब्राउन कोल कहते हैं, भूरा कोयला कहते हैं, और काले कोयले को बिटुमिनस के रूप में जाना जाता है। तो सर काला है, दैट मीन्स कार्बन का परसेंटेज ज्यादा है, कार्बन का परसेंटेज ज्यादा होगा तो घरेलू रूप में यूज करेंगे, यही तो है। बात समझ में आ गया? भूरा कोयला को लिग्नाइट के नाम से जानते हैं और काले कोयले को बिटुमिनस के नाम से जानते हैं। एक नरम सामग्री भूरे रंग के कोयले में काले कोयले के उसमें मान का केवल एक चौथाई होता है, बिल्कुल समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। खिड़की के शीशे बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का उपयोग किया जाता है? ऑप्टिकल, पोटास, क्रुक्स या सोडा? क्वेश्चन नंबर 12। जल्दी खिड़की के शीशे की बात करेंगे तो खिड़की के शीशे बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का उपयोग होता है? सोडा ग्लास का। सर क्रुक्स कहाँ होगा? ये तो सन ग्लासेस हैं। क्रुक्स ग्लास जो है, कांच है, वो सन ग्लासेस है। यानी सोडा कांच की बात करेंगे तो सोडा कांच या सोडा लाइम कांच, सोडियम कैल्शियम सिलिकेट सभी कांचों में सबसे सस्ता है और इसका इस्तेमाल खिड़की के शीशे और बोतल बनाने के लिए करते हैं। खिड़की के शीशे और बोतल बनाने में किया जाता है किसका? सोडा कांच का, सोडा ग्लास का, सोडा कांच का। जबकि पोटास कांच की बात करेंगे तो पोटास कांच, पोटास ग्लास का उपयोग रासायनिक उपकरण चाहे बीकर हो, फ्लास्क हो या फनल हो आदि में किया जाता है। जबकि अगर हम ऑप्टिकल ग्लास की बात करेंगे तो इसका उपयोग लेंस, प्रिज्म, नाम है ऑप्टिकल तो लेंस, प्रिज्म, ऑप्टिकल उपकरण जैसे दूरबीन, सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोस्कोप बनाने में किया जाता है। और क्रुक्स की बात करें
तो धूप के चश्मे के लिए ताकि यूवी रेज से हमारी आंखों की हिफाजत किया जा सके। ये क्या हो गया, क्रूक्स ग्लास हो गया, क्रूक्स कांच हो गया। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोटिक कंपोनेंट, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक घटक है, वाटर, लाइट, मिनरल्स, नन, कोई नहीं, जल्दी। बताओ क्या होगा, क्या चल रहा है यार, रुक जाओ। क्या होगा, कोई नहीं, चल क्या रहा है। अच्छा, उदय को ब्लॉक किया जाए, क्या हो गया भैया, काहे कचरा फैला रहे हो, हमारे सर्जिकल टीम स्ट्राइक करेगी, फिर दोबारा नजर नहीं आओगे यहां, ऐसा है, पढ़ लो। चलो कोई नहीं, दोबारा दिखने दो, बिल्कुल उस पर स्ट्राइक हो जाएगा, टेंशन ना लो। तो कहता है सर बायोटिक कंपोनेंट और दो अबायोटिक कंपोनेंट दो चीजें होती हैं। रुक जाओ, परेशान ना हो, रुक जाओ। रुको, अभी टेक्निकल टीम को खबर करें, टेंशन ना लो। कहता है सर जैविक घटक जीवित चीजें हैं, जीवित चाहे वो एनिमल्स होगा, प्लांट्स होगा, फंगी होगा, बैक्टीरिया होगा, जबकि अबायोटिक कंपोनेंट की बात करेंगे तो सर ये गैर जीवित घटक है जो एक पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करता है। अजैविक कारकों के उदाहरण में तापमान, वायु, धाराएं और खनिज है। चलिए, विच मैमल लेज एग्स, कौन सा स्तनपाई अंडे देती है, चलो जल्दी, परेशान ना हो, जल्दी बताओ क्या होगा क्वेश्चन नंबर 14। रेनू जी, टेक्निकल टीम को मैसेज कर दिया, वो दिख रहा है, टेंशन ना लो, अपनी पढ़ाई करो। देखो बायोटिक में हम उसे रखते हैं जो सांस लेता है बच्चे, एकिडना और प्लेटिपस दो ऐसे हैं जो अंडे देती हैं, दो स्तनपाई ऐसे हैं जो अंडे देती हैं, बिल्कुल याद रखना, बाकी बात सब अपने जैसे बच्चे को जन्म देती हैं, अपने जैसे बच्चे को जन्म देती हैं। यानी सर एकिडना और डक बिल्ड प्लेटिपस अंडे देने वाले स्तनधारी हैं, एकिडना और डक बिल्ड प्लेटिपस ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी में रहने वाले स्तनपाई प्राणी हैं। H5N1 कैसा वायरस है, जल्दी, H5N1 कैसा वायरस है, ह्यूमन इन्फ्लुएंजा, एवियन इन्फ्लुएंजा, स्वाइन फ्लू या कोई नहीं, क्वेश्चन नंबर 15। देखो कितने लोग सही जवाब देते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का, जल्दी।
देखो हमेशा अनवांटेड चीजें आपको अनावश्यक तत्व से जूझना पड़ेगा हर जगह। अरे ऐसे ही बढ़िया, ऐसे ही लोग तो कम से कम भीड़ को कम करते हैं नौकरी में, जो पढ़ने वाले लड़के ऐसे ही। एवियन इन्फ्लुएंजा, अब गलती करोगे सब स्वाइन फ्लू में जाओगे, मुझे पता है सब स्वाइन फ्लू में जाओगे भैया। स्वाइन फ्लू होता है H1N1, स्वाइन फ्लू होता है H1N1, यहां H5N1 है। स्वाइन फ्लू वालों सुधर जाओ, अभी भी सुधर जाओ। बर्ड फ्लू जिसे एवियन इन्फ्लुएंजा कहते हैं, एक वायरल संक्रमण है जो ना केवल पक्षियों बल्कि मनुष्यों और अन्य जानवरों को संक्रमित कर सकता है। H5N1 को बर्ड फ्लू कहते हैं या एवियन इन्फ्लुएंजा कहते हैं, जबकि H1N1 क्या है, स्वाइन फ्लू है। H1N1 स्वाइन फ्लू है, आप गलती कर दिए यहीं पे, आपने H5N1 को H1N1 समझ लिया। स्वाइन फ्लू सूअरों का एक रोग है जो दुर्लभ मामलों में मनुष्यों को हो सकता है। आज कोरोना सबको रुला रहा है, यह भी तो एक प्रकार का फ्लू है, COVID-19 एक प्रकार का फ्लू है COVID-19। अरे एवियन मतलब पक्षी होता है लाल मेरे, एवियन कह दो या बर्ड कह दो, दोनों में कोई अंतर नहीं है। डैश इज ऑल्सो नोन एज स्किन कैंसर, डैश को त्वचा कैंसर के रूप में भी जाना जाता है। कैंसर, कार्सिनोमा, ल्यूकेमिया या सरकोमा, क्वेश्चन नंबर 16। जल्दी अच्छा बर्ड फ्लू लिखना चाहिए था, ओके। अब आपने कह दिया ना, अब आप मैं सेटर को भी कह दूंगा कि आप ऑप्शन वही दो जो बच्चों को आता है, आप क्वेश्चन वही सेट करो जो बच्चों को आता है। आप सीधा करो ना सर, एक काम करना, अपना अपना एड्रेस दे दो, रेलवे डिपार्टमेंट को भेज दो कि भाई हमारा एक पोस्ट रिजर्व रख दो, हमारा एक सीट रिजर्व रख दो, मैं ज्यादा पढ़ा नहीं पा रही हूं। तो क्या होगा, रेलवे डिपार्टमेंट ना आपका एक सीट रिजर्व रख देगा, पढ़ना है नहीं। तो सर त्वचा कैंसर की बात करेंगे तो कार्सिनोमा, सर ऋषि कपूर गुजर गए कल, ल्यूकेमिया था इनको, क्या था, ल्यूकेमिया था इनको, याद रखना यहां स्किन कैंसर की बात कर रहा है जबकि ल्यूकेमिया था ऋषि कपूर को। देखते हैं ल्यूकेमिया में क्या है। सर कैंसर किसे कहते हैं पता है, कि जो हमारी सेल है वो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होता है, यानी अपने गुणन द्वारा कोशिका की अनियंत्रित वृद्धि को कैंसर के रूप में जानते हैं। यही बीमारी ऋषि कपूर को थी। ल्यूकेमिया कैंसर है जो रक्त बनाने वाले ऊतक में शुरू होता है, कहां पर, बोन मैरो में, ये बोन मैरो में, बोन मैरो में, बात समझ में आ रहा है। सरकोमा की बात करेंगे, सरकोमा एक प्रकार का कैंसर है जो सर संयोजी और सहायक ऊतकों की कोशिकाओं में शुरू होता है, जो कनेक्टिव टिश्यू और सपोर्टिंग टिश्यू में होता है। और कार्सिनोमा की बात करेंगे तो स्किन कैंसर कहते हैं कार्सिनोमा को, जो एपिथेलियल टिश्यू में होता है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द बॉटनिकल नेम ऑफ ग्रास, घास का वनस्पति नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 17, नहीं कैंसर वायरल डिजीज नहीं है भैया, कैंसर वायरल डिजीज होता तो पता चलता कि पूरे कपूर खानदान को हो गया। घास का वनस्पति नाम की बात करेंगे पोएसी, क्या ये पोएसी। कल सुबह 6:30 बजे एक वीडियो लगी है जिसमें 2020 में जो इंपॉर्टेंट हमें लगा 4-5 लग उनके बारे में, किनकी मृत्यु हुई है, वो किस फील्ड से थे, देखना जरूर। और कल 9 बजे विदाउट ऑप्शन वाली क्लास है, जुड़ना मत भूलना, सुबह 9 बजे
सुबह 9 बजे विदाउट ऑप्शन। मूसा की बात करेंगे तो ये केला भैया, मूसा की बात करेंगे ये बनाना, घास की बात करेंगे तो पोएसी, घास की बात करेंगे तो क्या होगा पोएसी। चाय का पौधा कैमेलिया साइनेंसी, तुलसी की बात करेंगे ओसिमम सेक्टम, केला की बात करेंगे मूसा, केला की बात करेंगे मूसा। द नेम ऑफ द इलेक्ट्रॉन वाज गिवन बाय, इलेक्ट्रॉन का नामकरण किसके द्वारा दिया गया था, जे जे थॉम्सन, स्टोनी, रदरफोर्ड या जेम्स चैडविक। तो इलेक्ट्रॉन का नामकरण किसने किया, स्टोनी ने किया, इलेक्ट्रॉन का नामकरण स्टोनी ने किया जबकि खोज थॉम्सन ने की है, खोज थॉम्सन ने किया है। भैया नाम पूछा है खोज नहीं, नाम पूछा है खोज नहीं, गूगली है भैया, बाबा का गूगली इतना आसानी से टूटेगा नहीं, इतना आसानी से टूटेगा नहीं। आयरिश भौतिक वैज्ञानिक जॉर्ज जॉन स्टोनी ने 1891 में इस आवेश को इलेक्ट्रॉन नाम दिया और थॉम्सन और ब्रिटिश भौतिक विदों की उनकी टीम ने 1897 में एक कण के रूप में इसकी पहचान की। ठीक है, क्वेश्चन 19, अ सब्सटेंस एडेड टू ओर, अशुद्धियों को दूर करने के लिए अयस्क में मिलाया गया पदार्थ क्या कहलाता है, फ्लक्स, स्लैग, गैंग, मैट्रिक्स। कुछ बच्चों को ना बिल्कुल सर्जिकल स्ट्राइक कर दो वो तुरंत बाहर चले जाएंगे। जिनमें से कुछ बच्चे दिख रहे हैं, आनंद वर्मा दिख गए हैं अभी। क्या चाहते हो बाहर करें? तो अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो अयस्क में मिलाया गया पदार्थ को फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लक्स। तो सर गैंग, स्लैग, फ्लक्स ये क्या है, आइए समझते हैं। अशुद्धियों को हटाने के लिए अयस्क में मिलाया गया पदार्थ फ्लक्स है, और अयस्क में आम तौर पर जो अशुद्धि है वो क्या है, रेत है, बालू है, चट्टान है, चूना पत्थर है, मिट्टी की अशुद्धियों है, जिसे गैंग या मैट्रिक्स के रूप में जानते हैं, यानी ओर में जो इम्प्यूरिटी है, जो अशुद्धि मिली हुई है, उस अशुद्धि को गैंग कहेंगे या मैट्रिक्स कहेंगे। दो चीज हुआ, और गैंग और फ्लक्स के मिश्रित धातु पदार्थ को, गैंग जो अशुद्धि है फ्लक्स को मिलाने के बाद उसे हम धातु मल या स्लैग कहते हैं, या स्लैग कहते हैं। आयोडीन परीक्षण का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है, द आयोडीन टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट कार्बोहाइड्रेट, कोलेस्ट्रॉल, वसा या प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 20, हाँ तो आनंद वर्मा जी जवाब दे दो ना, कहे ऐसा उल्ट उठ पटांग लिखते हो। देखो कैंसर ना हमारे बॉडी के अंदर जो ट्यूब, जो हमारा टिश्यू है, सेल है, उनमें अनवांटेड ग्रोथ हो जाता है जिससे कैंसर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, चाहे वो ब्लड कैंसर की बात करें वहां भी, चाहे हम स्किन कैंसर की बात करें। तो आयोडीन परीक्षण का पता लगाने के लिए हम कार्बोहाइड्रेट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं बच्चे? कार्बोहाइड्रेट यूज करते हैं। दैट मीन्स स्टार्च की उपस्थिति के लिए आयोडीन परीक्षण का उपयोग किया जाता है। तो ये था सेशन आज का, और सर अनकैडमी ने छोटे बच्चों के लिए, या आप अपनी जो आप देखो स्लैग, गैंग, फ्लक्स, ये सब कॉन्सेप्ट 9th और 10th का है, तो आप चाहो तो 9th 10th फिर से एक बार पढ़ने का मौका मिलेगा मात्र वीडियो 99 रुपीज में एक मंथ का। अगर मेरे से जुड़ना चाहते हो तो बिल्कुल आप जुड़ सकते हो, कोड यूज करिए बाबा10, जहां पे DRDO की क्लास चल रही है और SSC की क्लास आने वाली है 11 मई से।
और एसएससी की तैयारी भांसु तरीके से आपको बताया, रविवार 3 मई सुबह 11 बजे जुड़ना नहीं भूलना। देखो क्या होता है, धांसू तरीके से कौन आ रहे हैं, क्या होगा धांसू तरीके से तैयारी। तो अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हो तो बिल्कुल अनअकैडमी पे मुझे फॉलो कर सकते हो। चलो और परेशान मत होना, जो बच्चा था उदय कुमार उस पर सर्जिकल स्ट्राइक लग गया, लगा दिया हमारी टीम ने। ठीक है बच्चे, तो कैसा रहा सेशन आज का, हाउ वाज द सेशन, जरा सेशन कैसा रहा जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि और सारे बच्चों को पता चल सके कि आपकी जो क्लास है बिल्कुल रेगुलर 6 से 7 साइंस के रूप में और 7 से 8 जीके के रूप में। तो मिलते हैं 7 से 8 वाले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।